जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो भाई मैं फिलहाल सुबह उठ चुका हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, मतलब बिस्तर से नहीं उठा मैं, ना ब्रश करा ना मुंह धोया। तो मैं अभी देख रहा हूँ परेड। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई अपना बचपन का रूटीन बना हुआ है, जब तक परेड ना देखो ना तब तक भाई बिस्तर से उठते नहीं हम। तो अभी जब परेड खत्म होगी ना तो उसके बाद उठूंगा, सारे के सारे काम करूंगा अपने। फिलहाल अभी पहले हो जाए ये परेड खत्म। भाई अपना राजस्थान आ गया भाई। भाई ये वाला फाइटर जेट देखो, लग रहा है भाई फैसिनेटिंग लग रहा है, कितना भाई खतरनाक लग रहा है। ये देखो भाई अंदर के कैबिन का, कैबिन तक का भाई वो दिखा रहे कैमरे का व्यू। भाई ये वाला तो नेक्स्ट लेवल ही कर दिया कुछ ना कुछ। चलो भाई फाइनली परेड तो हो गई खत्म। भाई मेरे को तो बहुत मजा आया, क्या मस्त बनाई है इस बार। सबसे बढ़िया मेरे को लगता है भाई फाइटर जेट में आखिर में जो अंदर का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया ना भाई, अंदर कैबिन का व्यू दिखाया भाई खतरनाक। चलो भाई चलते फटाफट नहाने धोने, फिर करते नाश्ता वास्ता। आगे एक प्लान हो रहा है मेरा, बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो भाई फिलहाल नहाना धोना हो गया कम्प्लीट, अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज है गोभी के परांठे, खीरे का रायता, और इसमें है सिलबट्टे की चटनी। चलो भाई नाश्ता हो गया और अभी हमारा फिलहाल प्लान बन रहा है फाइटर मूवी देखने का। तो भाई तुम्हारा भाई है ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन, तो भाई मैं उसकी सारी पिक्चर्स देखता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं, जिया जी और बब्बू दीदी, हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से NSP, और अपना शो है 3 बजे का। भाई 2:15 तो हो गए, पता नहीं कब आएंगे वो लोग, यार पिक्चर निकल जाएगी सारी। मैं तो हो गया पूरा तैयार, मैं बस जिया जी और बब्बी का वेट कर रहा हूँ, ये आ जाएंगे फिर निकल लेंगे। और मेरे पास आज 2 खुशखबरी है तुम लोगों के लिए। पहला कि आज है 26 जनवरी, कि हमारी YouTube फैमिली आज पूरी 1200 लोगों की हो चुकी है। तो भाई शुक्रिया आप सबका, आज हमारे 1200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो भाई फाइनली आ गए हैं। अब कुहा तू एक बार हेलो तो बोल सबको, चल जल्दी चल, नहीं बोलेगा। अच्छा ये बोल दे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई NSP वाले उस वाले मॉल में ना बहुत ज्यादा लफड़ा है पार्किंग का, तो इसलिए हम ना पिछली बार 2 बार गाड़ी लेके जा चुके हैं, लेकिन 2 बार फंस गए, पार्किंग मिलते नहीं, हेलमेट। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी पे, मतलब मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे, बब्बी जा रही है बाइक पे। अब जिया जी चलाएंगे बाइक, जिया जा रहे बाइक पे, ये लो पकड़ लो हेलमेट फटाफट। चलो चलो भाई स्कूटी यहाँ पार्किंग में पेल दी मैंने, 3 बज के फटाफट निकलते हैं। हमने सोचा था आज वो है 26, वो है 26 वो है ना जनवरी, तो भाई लेट वो होगा, जाम होगा भाई, उल्टा हो गया बिल्कुल इसका, खाली खाली सड़कें मिली बिल्कुल। अब फटाफट निकल रहे, क्या टाइम हो गया अभी, 3 भाई इतनी रोशन निकल जाएगा। भाई पहुंच गए, और सीट बड़ी मजेदार है यार, बस यही जल्दी पहुंचे कि मूवी स्टार्ट भी नहीं, स्क्रीन नहीं लेकिन करेक्ट 3 बजे पहुंचे हम। मस्त है वाला हॉल, सीट बड़ी मस्त है भाई इसकी, कंफर्टेबल। ले जाएंगे किधर निकल गई तो। भाई मूवी तो हो गई खत्म, मेरा पर्सनल रिव्यू दो भाई जबरदस्त, मेरे को तो मतलब ऐसा लगा कि वापस देखने जाऊं। बाकी जय जी आपको कोई रिव्यू जबरदस्त, भाई मेरे को तो बहुत भगवान कसम इतनी बड़ी लगी ना अंदर घूस में, 3-4 बार ही आ गए। देखो भाई 2-3 बार देखो, इतनी बढ़िया पिक्चर है। और मूवी भाई सच में बहुत बढ़िया थी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ऋतिक रोशन का फैन हूँ, लेकिन भाई सच में बहुत जबरदस्त है, तुम लोग भी देख के आओ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कुछ पेट पूजा करने के लिए पीतमपुरा में, और दुकान है वैष्णव चाट करके कुछ है, वहाँ जा रहे हैं अभी। भाई अब जाके लगा है जाम, क्योंकि देखो अब सबके सब पिक्चर देख के निकल गए ना, सुबह तो भाई बिल्कुल खाली था, उल्टा हो गया रिपब्लिक डे का। मैं सोचा शायद भीड़ होगी, तो इस वजह से हम गाड़ी लेके नहीं आए। तो भाई पहुंच गए हम, आए अपना वैष्णव चाट सेंटर। अच्छा ये रहा, ये खड़ा है, क्या ऑर्डर करा करा कुछ कर दो, जिससे भूख, जो जिससे भूख मिट जाए। फेमस तो यही है ना जो इंस्टाग्राम पे था, इसी को वही कर दो, 3 प्लेट कर दो, 4 कर दो, मैं तो कह रहा हूँ पहले टेस्ट कर। चलो भाई आ गया तीनों का, काठी कबाब और रुमाली रोटी, अब खा के देखते हैं कैसा है। अभी ना हमने खाना खा लिया और जा रहे हैं वापस, लेकिन मैं ना किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा ये, क्योंकि यहाँ का खाना ना ऐसा लगा कि है कि ना घर पे खा रहे हैं हम, सोयाबीन की सब्जी और नॉर्मल से वो तंदूरी रोटी और वो जो भी हम मंगाई हमने, मतलब मजा नहीं लगा, ऐसा लगा नहीं कि हम बाहर खाने आए हैं। भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, जिया जी ने तो रुमाली रोटी छोड़ दी, कह रहे मेरे को किटकट दिला 10 वाली, तो जिया जी को फिर 10 वाली किटकट दिलाई, वो खाई उन्होंने। तो खाने के बाद फिर हम जा रहे हैं फिलहाल घर। अपने डुगू के लिए ना ये डार्ट लिया, कल उसका बर्थडे है, तो भाई इसको पैक कर दो। तो भाई फिलहाल पहुंच गए घर। मम्मी भगवान कसम इतनी जबरदस्त पिक्चर थी ना फाइटर, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, 3-4 बार तो रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे सीन निकले उसके अंदर से। अब तो आप अरे यार बहुत बढ़िया पिक्चर है, मैं बताओ आपके कल बुक कर देता, चले आओ जाओ इसमें नहीं। अब तुम लोग देखो भाई भगवान कसम बहुत तगड़ी पिक्चर है, बहुत तगड़ी। भाई मेरे बोलने से ना कू उठ गई, अभी सो रही थी फटाफट से उठ गई। भाई मैं नॉर्मल बोल रहा था, पता नहीं शायद व्लॉग में तेज लग रहा है, इसने आवाज सुन ली और उठ गई। ये देखो अब मम्मी चुप करा रही, रो रही है, तो हम दिखा रहे हैं वापस इसको कार्टून, कार्टून से चुप होएगी है। फिलहाल भाई एनिमल जो मूवी है ना वो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है,
वैसे तो मैं जयपुर में देखा था जब हम उस दिन ब्लॉग बनाया था, मैंने देख लेना, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आ गई भाई, मैं जरूर देखूंगा वापस, मजा आएगा, रात को देखूंगा। चलो भाई इन दोनों का टाइम हो गया घर छोड़ के आने का, मैं घर छोड़ के आता हूँ। तो चलो भाई अपना खाना आ गया, और खाने में आज है दाल मखनी। ये पता नहीं पापा जी बाहर से लेके आए थे कहीं से, देखते हैं खा के कैसी होती है। फिलहाल इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।